मरियम आज बहुत खुश थी क्योंकि इसका बड़ा भाई डॉक्टर कासिम काफी अरसे बाद उनके घर आया था। वो दोनों बातें करने में मसरूफ थे कि इतने में डोरबेल हुई। मरियम ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो उनके सामने उनका 11 साल का बेटा हमाद और उसके साथ एक खातून मौजूद थी। खातून ने हमाद को बाजू से पकड़ रखा था। जी फरमाइए, मरियम ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में पूछा। ये तुम्हारा बेटा है ना, ये रोज मेरे घर के सामने क्रिकेट खेलता है और कुछ ना कुछ तो जरूर तोड़ता है। कल इसने गेंद मारकर खिड़की का शीशा तोड़ दिया। जी मैं माजरत चाहती हूँ, आइंदा मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, मरियम ने खफीफ लहजे में कहा और हमाद को लेकर अंदर आ गई। दरवाजे पर अजनबी खातून के अल्फाज, हमाद की उड़ती रंगत और मरियम का गुस्से भरा चेहरा देखकर डॉक्टर कासिम सारा माजरा समझ चुके थे। देखो मरियम, हमाद को ज्यादा जिच मत करना, बच्चों से गलतियां होती रहती हैं, ये इनकी गलतियों की ही उम्र है और जो इंसान गलतियां नहीं करता वो सीखता भी नहीं है, डॉक्टर कासिम ने धीमे लहजे में कहा। मगर भाईजान, हमाद ने हम सबको बहुत तंग कर रखा है, मुझे हर वक्त इस पर नजर रखनी पड़ती है क्योंकि इसको अगर वैसे छोड़ दें तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, मरियम ने बेबसी से कहा। देखो मरियम, पहली गलती जो आप कर रहे हैं वो हमाद पर नजर रखना है। किसी भी बच्चे पर नजर रखना उसको एहसास से जुर्म में मुब्तला कर देता है, वो अपने हर काम को खिलाफे कानून समझने लगता है। ये चीज बच्चे में एहसास कमतरी पैदा कर देती है और वो नॉर्मल जिंदगी से कहीं दूर चला जाता है। दूसरी गलती जो वालदैन बच्चों की तरबियत के लिहाज से करते हैं वो है बच्चे को फरिश्ता बनाना। वालदैन को खुश फहमी होती है कि इनका बच्चा इतना आला और काबिल हो कि बस फरिश्ता नजर आए, जबकि ये बात हकीकी मायनों में बिल्कुल गलत है। बच्चे को फरिश्ता नहीं इंसान बनाना चाहिए और इंसान ही से गलतियां होती हैं। बच्चों की छोटी उम्र की गलतियां इनको जहनी, समाजी और माशरती सतह पर मजबूत बनाती हैं, बशर्ते कि इनकी अच्छी इस्लाह की जाए। बहसियत वालदैन और उस्ताद के हमें अपने बच्चों को इतनी रियायत जरूर देनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में गलतियां कर सकें। हम इनको बर्दाश्त करें और बहुत ही नर्म अंदाज में इनकी इस्लाह भी करें, मगर हमें ये फिक्र क्यों होती है कि कहीं बच्चा गलती में ही रह ना जाए। मरियम ने अपने तशवीश का इजहार किया। नहीं, ऐसा नहीं होता, डॉक्टर कासिम ने जवाब दिया। वालदैन की दोस्ती और मुनासिब रहनुमाई बच्चों को एक पुख्ता शोर देती है जो इनको जिंदगी के सफर में आगे बढ़ने के लिए मददगार बनती है और फिर वो एक कामयाब फर्द बनकर सबके लिए मशले राह बन जाते हैं। लिहाजा बच्चों को उनकी गलतियां करने दें और नर्म अंदाज में उनकी इसलाह कीजिए। डॉक्टर कासिम ने अपनी बात पूरी की और मरियम जो काफी देर से इंतहाई तवज्जो के साथ अपने भाई की बातें सुन रही थी अब मुतमईन अंदाज में सर हिला रही थी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने पेरेंटिंग के हवाले से आपकी रहनुमाई की होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।